उत्तर प्रदेश के हाथरस के गांव फुलरई में हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 100 से अधिक लोगों की मौत ने कई परिवारों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। इस हादसे की त्रासदी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये हादसा उस समय हुआ जब सत्संग का समापन हो रहा था। दोपहर लगभग 12:30 बजे सत्संग समाप्त होने के बाद भीड़ को रोका गया और भोले बाबा को पीछे के दरवाजे से निकाला जा रहा था। अचानक सत्संग स्थल के पास एक गहरा गड्ढा था जिसमें कुछ लोग गिर गए। भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे को रौंदते हुए निकलते रहे। इस दर्दनाक हादसे में कई मासूम जिंदगियां खो गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अलीगढ़ और आगरा के अस्पतालों में चल रहा है। इस घटना में पीलीभीत के राजेंद्र कुमार और सर्वेश भी घायल हुए हैं। उनके पड़ोसी सुरेश ने देवदूत बनकर उनकी जान बचाई और उन्हें अस्पताल पहुँचाया। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला संभल चंदौसी तहसील है। क्या मामला हुआ था, क्या बात थी? ये साहब, हम फरीदाबाद से बस में आए, 80-90 लोग दर्शन करने प्रभु जी के। तो जैसे समापन हुआ सत्संग, तो भीड़ में दब गए लोग। तो एक बेटी नाम ले 4 साल की, और हमारे साथी इनका चोट आ गई। ये पीलीभीत की है। तो जिनके चोट आई है ये कौन है आप? ये हमारे प्रेमी है, रहते हैं। तो हाँ, प्रेमी। हाँ, अभी कैसी हालत है उनकी? हालत तो सही है, थोड़ी चोट आ गई है, लेकिन बेटी ना मिली। सुरेश की इस बहादुरी और संवेदनशीलता ने एक उम्मीद की किरण जगाई है, लेकिन ये हादसा उन परिवारों के लिए एक अकल्पनीय दुख लेकर आया है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने तत्काल कदम उठाए हैं। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और वो और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लोकल 18 के लिए अलीगढ़ से वसीम अहमद की रिपोर्ट।